Hey guys, good evening. I welcome you all to exam shala. So ICICI bank ने अपनी latest recruitment निकाली है for various post. इसमें हम bank PO और other post के बारे में देखेंगे, ठीक है? इसकी जो सैलरी होगी वो लगभग 4.5 लाख रुपए होगी, लेकिन ये वेरी करती है आप किस पोस्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं. यहाँ मैं स्पेशली पीओ को डिस्कस करूंगा. इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा ये किस तरीके की जॉब है, पहला. दूसरा, एग्जाम का पैटर्न क्या है, ठीक है, सिलेबस क्या होगा, आपकी सैलरी पूरी कितनी बनेगी, और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे. तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं. तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपके इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम ICICI के नाम से जानते हैं, बैंक ने अपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस निकाली है 2020 के लिए, ठीक है. वैसे ये साल में दो बार आती है, अभी आई है, जिसके बाद अभी जाकर के अक्टूबर नवंबर में होगी. जो वैकेंसीज की बात करी जाए तो इसमें वैकेंसी है प्रोबेशनरी ऑफिसर की, ठीक है. इसका जो फंक्शन होगा वो फंक्शन होगा रिटेल बैंकिंग ग्रुप, इसके अलावा रिलेशनशिप मैनेजर, लार्ज क्लाइंट ग्रुप, जिसमें होलसेल बैंकिंग की बात करी जाएगी, और इसमें जो एक्सपीरियंस है वो 0 से 4 साल होगा. देखो, पोस्ट को जान लो बहुत जरूरी है. जितने भी लोग 20 से 25 साल के हैं वो पीओ के लिए जरूर अप्लाई करें. मैं ये हमेशा कहता हूं कि सिर्फ ये वेट मत करो कि आपको IBPS बस देना है, आप दूसरी जगह पे भी काम कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी कॉम्पिटिशन है. ऐसा नहीं कि आपने जाना है और ICICI आपको जॉब पे रख लेगा, ठीक है. पूरा देखना, क्योंकि यहाँ पे क्लासरूम ट्रेनिंग की भी बात होगी. पोस्ट की बात कर ही रहा था तो प्रोबेशनरी ऑफिसर पहला हो गया. इसमें लोकेशन जो होगी अक्रॉस इंडिया होगी, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट लाइक IBPS. इसके अलावा रिलेशनशिप मैनेजर, लार्ज क्लाइंट ग्रुप होगा, और इसमें होलसेल बैंकिंग की बात करी जाती है. जो आपकी लोकेशन मिलेगी वो गोवा और मुंबई, और रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस इसमें 0 to 4 है. ऑफकोर्स एक्सपीरियंस वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी. इसके अलावा फोन बैंकिंग ऑफिसर होगा, जिसमें हम फोन बैंकिंग को देखेंगे. लोकेशन गुवाहाटी, हैदराबाद और मुंबई. फिर मैनेजर जो मॉर्टेज वगैरह देखते हैं, ऑफकोर्स जो हम गिरवी रखते हैं, तो रिटेल बैंकिंग ग्रुप में ही फंक्शन करता है ये, और ये इसकी होगी अक्रॉस इंडिया, एक्सपीरियंस अगेन 4 to 6 ईयर. बिजनेस बैंकिंग एंड स्पेशलिस्ट, सो रिटेल बैंकिंग ग्रुप, चेन्नई, दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता, मेरठ, ठीक है. अगर आप इनमें से किसी पे आते हैं आप इस पे जाकर के देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे. फिलहाल मैं जो बता रहा हूँ आपको वो होगा आपका पीओ के लिए, ठीक है. ये पूरा वीडियो पीओ के लिए डेडिकेटेड है. इसका जो फॉर्म भरना है आपको, उस फॉर्म के लिए आपको लिंक दिख रहा है ICICIcareers.com. आप इस पे जाएंगे, आपको पूरी की पूरी प्रोफाइल मिल जाएगी और आप जाकर के इसको अप्लाई कर सकते हैं. इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, इसके अलावा आपका बिजनेस बैंकिंग स्पेशलिस्ट और रिलेशनशिप मैनेजर लार्ज क्लाइंट ग्रुप के लिए भी था. अब मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेता हूं. इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो देखिए, ICICI बैंक 2020 के लिए जो पीओ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है ग्रेजुएशन, और कितना होना चाहिए आपका, वो 55% होना चाहिए, ठीक है. एज लगभग 27 साल है. पहले ये 25 हुआ करती थी, ठीक है. 2019 का जो नवंबर आया था उसमें इन्होंने 25 दी थी, बट फिलहाल इन्होंने लगभग 27 साल तक की एज को कर दिया है, ठीक है. तो इस बात को याद रखिएगा, इनिशियली 25 ईयर तक लेते थे, इस साल इन्होंने 27 तक कर दिया है, और वो कब तक, 1 मार्च 2020 तक के लिए ही है, ओके. इसके बाद याद रखना, मतलब इसके बाद वालों के लिए इनको ये लोग हायर नहीं करेंगे, तो जो 1 मार्च 1993 के बाद वाले हैं उनको. आगे आते हैं, फिर उसके बाद इसको अप्लाई कैसे करना है, तो मैंने आपको लिंक बता ही दिया है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो जाके, और जो शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट होंगे उनको इनवाइट किया जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस के लिए. अब इस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, किस तरीके से ये स्ट्रक्चर काम करता है. इसकी PDF तो मैं टेलीग्राम में दे ही दूंगा. स्ट्रक्चर देख लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये कोर्स किया था और उनको अच्छा पैकेज मिल गया, अच्छी जगह जॉब भी कर रहे हैं. एक मुंबई में पोस्टेड है, और भी कुछ लोग हैं जो अलग अलग सिटीज में अपने बढ़िया अपनी लाइफ को जी रहे हैं. तो यहाँ पे जब कोर्स की बात आती है तो ये पूरा का पूरा 1 साल का कोर्स है, ठीक है. अब 1 साल के कोर्स में 4 महीने की आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग होगी, और ये होगी आपकी बेंगलुरु में, ठीक है, ये याद रखना है. तो उसके अलावा फिर 2 मंथ की इंटर्नशिप होगी, और इंटर्नशिप जो आपकी चलेगी वो आपकी किसी ICICI बैंक में चलेगी, ये आपको एलोकेट कर दी जाएगी. हो सकता है बेंगलुरु में ही दे दे, या ये भी हो सकता है कि आपको देश के किसी हिस्से में भेज दिया जाए. इसके अलावा आपका जो तीसरी टर्म चलेगी, अगेन आपकी 2 मंथ की क्लासरूम ट्रेनिंग चलेगी, और ये चलेगी आपकी IMA में, और जो की है बेंगलुरु में, मतलब आप वापस से वहीं पहुंच जाएंगे. इसके अलावा जब आपके 8 महीने हो जाएंगे तो 4 महीने बचेगा, और 4 महीने में ऑन द जॉब ट्रेनिंग चलेगी ICICI बैंक. देखिए, इसमें फीस होती है 1 साल के लिए, जब आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपको फीस होगी लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए फीस होती है. अगर आपके पास नहीं है तो बैंक आपको इसमें
दे भी देता है लोन, और उस लोन के बेसिस पे आप इसमें पूरी की पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग पे ही बोला था कि इजी नहीं होगा, मतलब आप सोचो कि आप जाओ और आईसीआईसी आपको जॉब दे देगा, नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं होने वाला। आपको ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें आपका मैथ इंग्लिश रीजनिंग पूछी जाएगी। उसके अलावा आपका ऑनलाइन साइकोमेट्रिक असेसमेंट होगा, मैं भी आपको बताता हूँ इसमें क्या होगा। फिर उसके अलावा जीडी होगा एंड पर्सनैलिटी इंटरव्यू, मतलब आपका एक पीआई होगा। वैसे तो उन्होंने अपना पूरा सिलेबस कभी डिस्क्लोज किया नहीं, बट फिर भी जब स्टूडेंट से मिले तो उनसे जो बात निकल के आई, तो 1 घंटे का टाइम मिलता है और लगभग 60 से 80 क्वेश्चन होते हैं, जो एवरेज बोला जाए तो 60 क्वेश्चन ही लोगों के आए हुए हैं, तो हम 60 क्वेश्चन मान के चलते हैं। अब क्या क्या आएगा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैथ इंग्लिश रीजनिंग जो कि आपका आईबीपीएस प्रीलिम्स में होता है, सो यू विल हैव ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन कैटेगराइज अंडर द फॉलोइंग सेक्शन, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश। ठीक है, तो उसके बाद आपका सोशियो प्रोफाइल क्वेश्चनियर होगा जिसमें आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। सिलेबस की बात कर लेते हैं, क्या सिलेबस है। तो अगर आप में से कोई भी आईबीपीएस की बैंकिंग की या एसबीआई की प्रिपरेशन कर रहा है, जो भी आप नाम देते हैं, तो सिलेबस आपका इंग्लिश रीजनिंग एप्टीट्यूड होगा। इंग्लिश में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस कंप्लीशन, यूजेस ऑफ वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर स्पॉटिंग, पैरासिम्बल्स वगैरह आएंगे। रीजनिंग पे बात करें जाए तो बिल्कुल आईबीपीएस के जैसे ही होगा, ठीक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग पूछी जाएगी, एंड यू मे एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनोलॉजी चैप्टर 2। एंड फिर एप्टीट्यूड की बात कर ले जाए तो देखिए, नंबर सिस्टम हो गया, एज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, टाइम्स एंड वर्क, नंबर सिस्टम, ये सारी चीजें आएंगी। और आप थोड़ा डीआई वगैरह के भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि पूछेगा, बट फिर भी। इसके अलावा साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, और ये बेसिकली आपके सामने कुछ सिचुएशन रखी जाएंगी, यहाँ पे आपकी बात करी जाए तो एबिलिटीज को टेस्ट किया जाता है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ, मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया है। तो जो ऑनलाइन साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा ये क्वेश्चनियर होगा, ठीक है, और इसमें आपका जो टेस्ट है उसका मेन रीजन या एम है आपकी क्वालिटीज को जज करना, सच एज आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है क्या, टीम वर्क आप कर पाते हो या नहीं, आप सिंगल हैंडेडली काम कर पा रहे हैं क्या, आप इवेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके रिएक्शन को टैकल किया जाएगा। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आपको बिजनेस करना है, तो आपके रिएक्शंस बहुत मैटर करते हैं। दैट्स आई ऑलवेज से, प्रोएक्टिव बनना है आपको, रिएक्टिव नहीं बनना है। ऑलवेज रिमेंबर, लीडरशिप क्वालिटी में सबसे अच्छी क्वालिटी को माना जाता है। फिर उसके अलावा कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस पर्सनैलिटी बेस्ड टेस्ट प्रायर टू नेक्स्ट प्रोसीजर, हाउएवर इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज क्वालिफाइंग पैरामीटर। तो ये एक अच्छी चीज है। और आपको एक जीडी राउंड में भी जाना पड़ेगा जहां पे काफी सारे लोग बैठेंगे। एंड लास्ट ईयर जब हमारी एक स्टूडेंट सिलेक्ट हुई थी तो मुझे अच्छे से याद है, मैंने उससे पूछा था हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, शी सेड कि ऐसा तो नहीं हुआ कि जीडी आराम से हो गया था, टफ था, काफी सारे लोग बैठे थे, और एक अच्छे लेवल का जीडी बोल सकते हैं वो हुआ था। यहाँ पे आपके सामने पूरा सिलेबस है लॉजिकल रीजनिंग का, सच एज डेटा सफिशियंसी, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, टेबुलेशन, रैंकिंग डायरेक्शन, कोडेड इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, सिलॉक्स, ठीक है, एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। इसी तरह से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखा जाए डेटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंडिसेस, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, परसेंटेज, मिक्सचर, एलिगेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सीरीज, जो भी आप पूरा आईसीआईसीआई में, सॉरी आईबीपीएस में प्रिपरेशन करते हो। और इंग्लिश में तो मैं अपने सब्जेक्ट में बात ही कर लूँ तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, जिसको आप फिल इन द ब्लैंक्स या क्लोज टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, इसके अलावा एरर स्पॉटिंग, क्लोज टेस्ट, पैरासिम्बल हो गए। तो ये सामने आपके रहा जहाँ पे आपका एग्जाम पैटर्न है। तो आप देखिए, आपको टोटल 1 आवर मिलेंगे, और जिसमें आपके लॉजिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स में, क्वांटिटेटिव एबिलिटी के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और इंग्लिश लैंग्वेज में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, ठीक है। तो आप जरूर इसमें अपीयर हुई है, मेरा आपको सबको सजेशन रहेगा, छोड़ना मत, बहुत मुश्किल से अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। और अब हम सैलरी की बात कर लेते हैं, असली मुद्दा मनी बाबा, जिसके लिए हम सब जॉब करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो है ये एक एवरेज सैलरी है जो मैंने अपने स्टूडेंट से जान के या थोड़े अपने रिसोर्सेज के थ्रू निकाली है। ये वेरी कर सकती है शहर के हिसाब से, कि आप अगर मुंबई पोस्टेड किए जा रहे हो तो हो सकता है आपकी सैलरी 3-4-5 हज़ार ज्यादा ही हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो आपकी सैलरी होगी वो लगभग होगी 34,561, 414,732 रुपए आपकी सालाना बनेगी, ठीक है। यहाँ पे आपका बेसिक होगा 11,000 रुपए, उसके अलावा आपका एचआरए मिलेगा 5,000, अगेन वेरी करता है कि आपको किस सिटी में रह रहे हो, मुंबई में 5,000 में तो कुछ नहीं होने वाला। देन कन्वीनियंस आपके हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपका सुपर नोशन अलाउंस, लीव, ट्रैवल अलाउंस, एडिशनल एचआरए भी मिलता है,
देन कैंटीन रीइंबर्समेंट, अब ऑफ कोर्स रीइंबर्समेंट जब ट्रांसपोर्ट आपको मिले, जब आपका ट्रांसफर कर दिया जाए, देन मेडिकल एंड टोटल। तो इस तरीके से करके पीएफ ग्रेच्युटी टोटल सीटीसी पड़ेगी आपकी 30,000, 3,60,000, ये ज्यादा भी हो सकती है, अगेन आई एम टेलिंग यू। परफॉर्मेंस लिंक्ड रिटेंशन पॉलिसी 4,500 रुपए, ठीक है, और जा करके ये आपका एनुअली 54,000 हो जाता है, एंड ओवरऑल सैलरी 34,561 और सालाना 4,14,732। बट अगेन बात बोलूंगा कि ये चीज ज्यादा कम हो सकती है, कैसे कम तो नहीं होगी लेकिन ज्यादा जरूर होगी। तो इसी के साथ वीडियो होता है खत्म, आई होप आपके डाउट क्लियर है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड नाइट।